डोरेमोन ऑटो वर्कशॉप एंड वॉशिंग सेंटर रिकांगपियो, कॉन्टेक्ट फॉर एसेसरीज, टायर पंचर, ग्रीसिंग एंड मैकेनिकल वर्क्स, नियर हॉस्पिटल मोड, सराय भवन, रिकांगपियो। प्लीज कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर 7018882884, 7876580907। नमस्कार, किन्नौर अब तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का हमारा ये जो स्पेशल एपिसोड है कि सोशल मीडिया के जरिए हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, इसका आज हमारा तीसरा एपिसोड है। इन पिछले दो एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हो तो एक बार आप देख सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में अगर हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं कमा रहे हैं तो सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है। अगर सोशल मीडिया से आप कुछ बेनिफिट ले रहे हैं, दैट मीन्स कि आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है। तो आज की डेट में दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। हम देख रहे हैं कि समाज में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है। पहले एक वक्त हुआ करता था जब कुछ फिल्म इंडस्ट्री के हीरो होते थे, उन्हें हम सेलिब्रिटीज कहते थे। उन एक फिल्म इंडस्ट्री में जाना, अपने आप को वहां स्थापित करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता था। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जिसका इस्तेमाल करके आप आज देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे इन्फ्लुएंसर है जिनके पास आज खुद सोशल जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आते हैं। तो इस सोशल मीडिया की ताकत को पहचाने, अपना करियर सोशल मीडिया पे आप बना सकते हैं। करना क्या है वो हमने बहुत डिटेल से पिछले दो एपिसोड में हमने चर्चा की है, तो आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ है फिर से राम भगत जी, जो सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे हैं। काफी अनुभव राम भगत जी को इस फील्ड का है। तो राम भगत जी नमस्कार, गुड इवनिंग, आपका एक बार फिर से स्वागत है जी। पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ सागर सर जी, आपने जो है इस एपिसोड को समाज के जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं उनको एक जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप एक होस्ट के तौर पर काम कर रहे हो किन्नौर पेज के द्वारा, और आपका बहुत बहुत आभार। आपका एक आपका भी जो योगदान इसमें रहता है, और आपका जो खासकर जो आपका अपना स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड जो है बहुत बेहतरीन काम कर रहा है हेल्थ को लेकर और काफी चीजों को लेकर, इस पर भी हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। इसी एपिसोड में बीच में आप बोल भी सकते हैं कि क्या क्या इसमें रहता है गतिविधियां। तो आपका पुनः आभार, स्वागत है सर, बहुत ध्यान जी। जी थैंक यू। आपने क्या करते रहते क्वेश्चन किया, तो मैं भी मुझे जस्ट याद आया कि अभी अप्रैल के महीने में मैं एक 7 डेज का एक मेरा रेजिडेंशियल वर्कशॉप है मनाली में। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई हेल्थ इश्यू है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है या फिर किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या इस तरह का कोई भी हेल्थ और फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेकर अगर कोई इश्यू है, तो ये 2-in-1 प्रोग्राम है। 2-in-1 इन द सेंस कि इसमें एक तो मनाली प्रॉपर घुमाया जाएगा और सुबह शाम सेशन होंगे, दिन में मनाली घूमेंगे और जो यहाँ की जो हसीन वादियां हैं उसके बीच में जब बैठ करके हम एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और एक टेक्निक है जिसका नाम मैंने दिया है साइको हर्ब ट्रीटमेंट। ये मेरी खुद की एक रिसर्च है हेल्थ के ऊपर पिछले काफी सालों से, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, उसके बाद हम अपने जो
एपिसोड है उसको आगे बढ़ाएंगे, आपके साथ कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो साइको हर्ब ट्रीटमेंट क्या है? एक्चुअली हमारे जो बॉडी होती है उसका एक ऑरा होता है, जिस तरह की हमारी मनस्थिति होगी वैसा हमारा बॉडी के ऑरा होता है। ऑरा मीन्स की जो बॉडी के अंदर से वाइब्रेशन निकलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो नेगेटिव ऑरा निकलेगा। इसको क्रिलियन फोटोग्राफी की इमेज से देखा जा सकता है कि आपका ऑरा कितना क्लीन है, क्लियर है, कितना पॉजिटिव है। तो जितना आपका ऑरा लो होते जाएगा उतना बॉडी और माइंड के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू होती है। तो वैसे ही हर चीज का एक ऑरा होता है, हमारे पेड़ पौधों का भी ऑरा होता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, हर पेड़ पौधे में कोई ना कोई औषधीय गुण होते हैं, लेकिन वो हमको नहीं पता। अगर इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करना है फिर वही आचार्य बालकृष्ण जी की तरह फिर इसमें लगे रहना पड़ेगा, एक एक चीज को लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका ढूंढा है जिसका मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट खुद पे भी किया है और काफी लोगों पर किया है कि अगर हम किसी पेड़ के अंदर उसके जो भी औषधीय गुण है, चाहे उसकी जड़ में है, उसके तने में है, उसके पत्तों में है, उनके टहनियों में है, उसके अंदर की जितने भी औषधीय गुण है उन्हें हम बिना उसे खाए अपने ऑरे को उसके ऑरे के साथ अगर हम कनेक्ट कर दें तो उसके जो औषधीय गुण है वो हमें मिल सकते हैं और अपने आप को हम हील कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे यहाँ पे मनाली की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, जलवायु अच्छी है, तो वहां पे अगर हम उस टेक्निक को साइकोहर्ब ट्रीटमेंट अगर हम करें तो हम बहुत सी बीमारियों को बिना मेडिसिन के ठीक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अगले 8 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल के बीच में 7 दिन का एक मैंने वर्कशॉप रखा है जहाँ पे हम मनाली घूमेंगे भी, प्लस मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्राणायाम और बहुत सी टूल्स एंड टिप्स मैं बताऊंगा जहां पे आप अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं। तो अगर हमारे दर्शकों में कोई भी उस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इसमें जो भी डेट रहेगी और जो भी सारी डिटेल है वो मैं शेयर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज बात करते हैं हम सोशल मीडिया की, कि सोशल मीडिया में जो हम अपना अगर पेज बनाते हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, किस तरह से उसे चलाया जाए, उसके बारे में हमने पिछले 2 एपिसोड में काफी चर्चा की है। तो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन होता है कि प्रोफाइल इश्यू का उसमें आता है, वो क्या चीज होता है, हमारे दर्शकों को समझाएं। जी, जैसे कि सभी को जानते हैं कि अब आप लोग जो है काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा पैसा कमाने के लिए, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जाग रहे हैं, आप डाउनलोडिंग अपलोडिंग सब कुछ कर रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, आप ब्लॉग बना रहे हैं और आपका डॉलर भी बन रहा है। लेकिन जो है कहीं ना कहीं बहुत टफ है डॉलर कमाना और इतना आसान नहीं है, और आपकी मेहनत जो है थोड़ी सी गलती से भी जो है आपका व्यर्थ हो सकता है। तो आपने प्रोफाइल इशू कहा और पेज इशू कहा, जब भी आप जो है काम करते हैं तो कंटेंट का बहुत ध्यान देना है। कंटेंट में क्या चीज होती है कि जैसे आपकी गाली गलोच हो गया या फिर आपका सेक्सुअल कोई चीज हो गया या फिर कोई आत्महत्या किया है उसका वीडियो आपने जो है पूरा सेफ दिखाया, आपने कोई स्क्रैच नहीं किया उसको या फोटो से हाँ वो नहीं कवरिंग नहीं किया, तो आपको ये जो है इशू लग सकता है प्रोफाइल इशू। प्रोफाइल इशू में 2-3 जो जो गाइडलाइन है उसमें ऐसा है कि 1 हफ्ते के लिए आपको या तो फेसबुक खुद ही उस कंटेंट को हटा देगा और 1 हफ्ते के लिए आपको जो है प्रोफाइल में इशू रखेगा, उसमें बताएगा कि आपको पहला नोटिस दिया गया है आप इस प्रकार का जो है कंटेंट ना डालें। दूसरी बार आप गलती करती है तो आपको 1 महीने का जो है अल्टीमेट दिया जाएगा। प्रोफाइल आप जो है कुछ भी काम नहीं कर सकते, डाउनलोडिंग अपलोडिंग कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो है आप जो है आपका पेज सेफ रहेगा। और तीसरी बात है, तीसरा आपने गलती किया कोई भी चीज है तो आपका पेज सदा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो कभी भी जो कोई भी ऐसा कंटेंट जो है कोशिश ना करें, जैसे आपका मर्डर वाला कंटेंट है या फिर आपका गाली गलोच वाला कंटेंट है या फिर राजनीति में कोई ऐसी चीज है, सोच समझ के एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो जैसे ही आपने गलती किया आपके प्रोफाइल में ऊपर आपके टॉप में आएगा प्रोफाइल इशू। तो अगर आपने ये दोनों साइड चले जाता है, पेज में भी आएगा और आपके जो है आपकी आईडी में भी आएगा। तो ये है प्रोफाइल इशू और इसको दूर करने के लिए यही बताया कि आपको कंटेंट पर जरूर ध्यान देना है। जी, स्वागत।
राइट है। ये अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे जो सिंगर है कुलदीप शर्मा जी, उन्होंने आजकल अपना पेज बनाया है, उसको प्रमोट कर रहे थे। तो वो उसमें कह रहे थे कि उनके जो पिछला पेज था उसमें काफी ज्यादा उनके लाखों में फॉलोअर्स थे, वो किस वजह से डिलीट हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहे थे कि जैसे वो डिलीट हुआ तो वो काफी डिप्रेशन में चले गए थे। नो डाउट कि अगर हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत कि जब हम किसी मुकाम पे पहुंचे, वहां जाकर के अगर हमारा पेज डिलीट हो जाए या अपना अकाउंट डिलीट हो जाए, तो वो बहुत दुखद होता है, आदमी डिप्रेशन में चले जाता है। वापिस उसी लेवल पे खड़ा करना अपने चैनल को आज की डेट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक दौर था जब मुझे ध्यान है कि जब मैंने स्टार्टिंग में कुछ पेज बनाए थे तो एक दिन के अंदर हजार हजार फॉलोअर्स हो चुके थे। तो मैंने भी अपने कुछ पिछले डिलीट पेज डिलीट किए थे। तो अभी आज की डेट में हम देखते हैं कि काफी टफ काम हो गया है। तो दूसरा जो प्रोफाइल इशू होता है वो क्या चीज है, जी, तो पेज ये मैंने इशू? कहा जी, जी इशू यही कहा कि कंटेंट पर। और दूसरी बात जो आपने डिलीट कहा ना, मैं थोड़ा सा गैस लगाना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, एक तो आपको कंटेंट से जो आपका प्रोफाइल इशू आएगा, प्रोफाइल इशू से आपका जो है हफ्ते के लिए आपको जो है अल्टीमेट दिया जाएगा, जो एक हफ्ते के बीच में वो इशू आपका वहाँ होता रहेगा। कहने का मतलब है कि आप काम कर पाएंगे, लेकिन जो है आपका जो वीडियो था वो डिलीट कर देगा फेसबुक। दूसरी बात है, दूसरी बार आपने फिर कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया, कोई ऐसा कंटेंट लगाया जैसे आपका सेक्स से संबंध जुड़ा हुआ हो, या फिर गाली गलौज से संबंध जुड़ा हो, या फिर समाज के प्रति कैसा कोई हानि हो, या ये मैंने कहा कि इस पर आपको जो है प्रोफाइल इशू आ सकता है। दूसरा एक और एक इशू आ सकता है कि आपको टैग किसी ने टैग किया है, तो हम क्या करते हैं, कई बार अप्रूवल देते हैं उस टैग को, लेकिन वो टैग कैसा है आपने ध्यान नहीं दिया। वो टैग क्या समाज हित के लिए था, या फिर वो किस प्रकार का, प्रॉपरली नहीं दिया। और आप जो उसको अप्रूवल देते हैं, टैग जो करता है उसका जो अप्रूवल देने के बाद उस पर भी आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार का, क्या समाज के लिए टैग था या फिर जो है कोई घातक टैग था, वो भी आपको प्रोफाइल इशू आएगा। जी स्वागत। कुछ कुछ चैनल ऐसे देखो, अगर हम ये मुझे समझ नहीं आया आज तक, जैसे कैरी मनेटी करके है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, वो तो गाली मारता है, उसकी गालियां कुछ अलग। इसमें कुछ ऐसी चीज है, जब वो वीडियो बनाते हैं ना, तो अब मुझे ये पता नहीं है कि किस प्रकार का है, लेकिन वो गाली कुछ इस टाइप की होती है ना, वो नुकसानदायक गाली नहीं हो सकती है। जैसे ना एक अच्छा गाली होती है बहुत नुकसानदायक वाली होती है, वो एक गाली होती है कॉमेडी वाली गाली, ठीक है ना। तो वो उन चीजों पर बहुत मतलब वो हो सकता है नुकसानदायक वाली गाली ना हो, जो एक आम भाषा की तरह गाली हो, लेकिन जो प्रोफाइल इशू बहुत ही कंटेंट, बहुत बारीकी कंटेंट है आपके लिए, एक हफ्ते का, एक महीने का, और परमानेंट के लिए आपका पेज जो है डिलीट हो जाता है। लेकिन जो वो एक अलग से फॉर्म हो सकता है, उन्होंने कुछ फॉर्म भरा हो कि मेरा कंटेंट ऐसे ही रहता है, एक इसमें एप्लीकेशन हाँ भी ये होता है राइट राइट ये हो सकता है। पेज, हाँ पेज के लिए फेसबुक को आप जो है आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें एक एप्लीकेशन में तो फुलफिल करना पड़ता है, ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, इसमें मेरा कोई किसी प्रकार का नहीं है, तो शायद उस वजह से वो सेफ रहते हो। जी ओके ओके हो सकता है। तो इसमें एक वर्ड और आता है, प्रॉपर्टी कॉपीराइट, वो जी क्या चीज़ रहता है? प्रॉपर्टी राइट तो बहुत ही घातक है। प्रॉपर्टी कॉपीराइट एक ऐसी चीज है जो आपके लिए जो है कभी भी घातक हो सकता है। कोई ऐप है, मान लो कि किसी ऐप को हम यूज करते हैं, और उस ऐप में जो है कोई चीज है, फ्री में, फ्री में आप जो है ये चीज कर सकते हो, लेकिन उस ऐप ऐप को आपने गलत तरीके से यूज किया, तो वो है उसकी प्रॉपर्टी को यूज करना। कहने का मतलब कि आपने उस वो ऐप को खरीदा नहीं है। देखिए कोई कोई ऐसा ऐप होता है जो खरीदना पड़ता है, बहुत सारे ऐप है, जैसे आपके वीडियो मेकर ऐप होंगे या फिर एडिटिंग ऐप होंगे, कुछ फ्री ऐप है, कुछ जो है आपके जो है पेड़ वाला ऐप है। तो पेड़ ऐप आपने पेड़ ऐप में कुछ डेमो होता है, उसमें जो है आप कुछ काम करने का उस डेमो को यूज किया हो बगैर आपने उनसे परमिशन लेके, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी जो है कॉपीराइट। उसमें भी फेसबुक आपको जो है तुरंत जो है आपको जो जिस ऐप से आपने काम किया उसको एकदम ही डिलीट कर देगा और अल्टीमेट देगा उसके लिए। तो प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को बगैर परमिशन से जो है आप यूज ना करें। राइट अगर पेड़ है तो उसको पेड़ ही करें, अगर उसमें से आपको सिंबल दिया है फ्री का तो वो एक डेमो है, डेमो यूज कर सकते हैं कुछ मिनट के लिए, लेकिन अगर आपको
ही काम करेंगे, अपने प्रोफेशनल काम के लिए यूज करेंगे, तो आपको वो प्रॉपर्टी इशू करेगा और सीधा ही आपके प्रोफाइल में इशू करेगा और फेसबुक उसको डिलीट कर देगा और एक चेतावनी देगा, और इसमें भी आपको पेज को डिलीट होने का एक चांसेस रहता है। ये है ओके प्रॉपर्टी कॉपीराइट। जी सर, ओके। जैसे पहले जब सीडियों का जमाना था उस वक्त कॉपीराइट पायरेसी शब्द यूज होता था कि अगर किसी की ओरिजिनल सीडी है उसको आपने डुप्लीकेट बनाकर मार्केट में अगर उसको बेचना शुरू करें तो वो जो ओरिजिनल जिसकी सीडी होगी अगर वो आपके ऊपर केस करता है तो वो पायरेसी का केस होता था। तो ये पायरेसी टाइप का ही इधर सोशल मीडिया में हो गया। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सागर सर, ये जो प्रॉपर्टी जो इश्यू है ना, इश्यू वाला जो क्लेम करना ना बहुत ही घातक है और ये आपके पेज के लिए बहुत खतरा हो सकता है। और मान लेते कि मैं किसी के चैनल का भी जो है, मान लेते आपके सने सागर का ही कोई एपिसोड लेता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को ब्लॉक करने का बड़े आसानी से जो है आप जो है प्रोफाइल इशू डाल सकते कि मैंने मेरा कंटेंट जो है वो किया है। लेकिन बहुत सारे लोग समझदार भी लोग होते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अपना ही जो फेस का, अपने ही मोबाइल का और अपना ही जो है प्रॉपरली काम करें, किसी के चीजों को उठाकर ना काम करें तो बहुत बेहतर। कई जगह जैसे न्यूज काम करना है तो न्यूज में तो हम उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूज वाले इस प्रकार का क्लेम नहीं करते क्योंकि न्यूज का इधर उधर आपस में जो है लेन देन होता रहता है। लेकिन कोई ब्लॉगर है या फिर कोई सामाजिक चीज काम कर रहा है, आप उस चीज को उठाओगे तो वो आपके लिए प्रोफाइल इशू पर जो है फेसबुक को कर सकता है और आपके लिए घातक हो सकता है। ओके। तो चलिए आज का एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं कि जो गूगल एडसेंस होता है, हमारे दर्शकों को समझाएं बताएं कि जिनका अभी चैनल नया है या फिर जिनको ये सीखना है कि सोशल मीडिया में किन किन शब्दों का इस्तेमाल है, तो गूगल एडसेंस क्या चीज़ है। जी, गूगल एडसेंस जिनको मिलता है उनके लिए पहला तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देते हैं कि गूगल एडसेंस का मतलब है कि अब आप जो योग्य हो गए हैं पैसे लेने के बारे में, आप जो है अब आप जो है एक हकदार हो गए, आपका डॉलर बनने लग चुके हैं। लेकिन अब डॉलर को किस खाते में ढालना है तो ये तो यूट्यूब को किसी को, फेसबुक और यूट्यूब को तो पता नहीं है, लेकिन गूगल एडसेंस जो है एक आपके मेल के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर में आएगा। उसमें कुछ आपसे डाटा मांगा होता है, जैसे आपका कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जो टैक्स रिटर्न का वगैरह सारी फाइलों को जो है एक जो है वो मांगता है, आपका पता पता तो वो सबमिट करना होता है, उसके बाद जो है वो आपके खाते में ट्रांसफर करेगा। तो ये है गूगल एडसेंस जो आपके लिए मिलता है कि अब आपका पेमेंट कहाँ किस पते में डालना है, तो ये चीज है। और इसके बाद भी बहुत काम करना पड़ता है, आपको एडसेंस तो मिलता है लेकिन पैसा जो है डॉलरों में आता है तो बहुत पॉइंटों में आता है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। गूगल एडसेंस तो आपका 4 आवर जो है 4 आवर घंटा निकाल दिया और उसके बाद आपने 1,000 सब्सक्राइब कर दिया, फिर आपके उसके बाद डॉलर बनने लगे, डॉलर बनने अभी आपके 100 डॉलर नहीं हुआ है, ये बीच में कभी भी मांगता है आपसे जब आपने ये क्राइटेरिया पूरा करता है, तो भाई आप ये दीजिए अब आपका डॉलर बनने लग चुका है। ये है आपके पेमेंट से संबंधित, ये चीज है आपकी पहचान से संबंधित चीज है गूगल एडसेंस जो आपको मिलता है। जी ओके। चलिए बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये एक चीज़ हम और बता दें कि जो ये जो सोशल मीडिया में काम करना है इसके लिए अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे कभी कभी लोगों को, देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग के अंदर बहुत कुछ चलता है, वो बोलते भी है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो एक तो इसमें स्टार्टिंग में हमें बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जो ये कहते हैं कि हमारे पास कंटेंट्स है, सब कुछ है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले परफेक्शन आए। परफेक्शन आए मीन्स कि हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स हो, लैपटॉप हो और मोबाइल अच्छा हो, एप्पल का फोन हो और माइक हो, तब जाके हम शुरू करें। तो आपने जब शुरू किया था क्या ये सारी चीजों को पहले देखा या फिर पहले आपने कहा कि चलो शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कोविड का टाइम था मेरे ध्यान में तो पैसा कमाने का भी नहीं था कि पैसा कमाऊंगा या फिर ऐसी चीजें नहीं था, कोविड के दौरान था तो हम बोर हो रहे थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था। और फिर मैं एक लेखक था और कवि था, तो मैंने सोचा कि एक हम पेज बनाते कवियों के लिए, तो ताकि जो है लोग जो है कोविड के दौरान आनंद ले। तो हमने कोविड के दौरान इस चीज को जो है पेज बनाया, तो पेज के द्वारा हम कवियों का कवि सम्मेलन कराते गए
और उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर हम लोग कवि कवि सम्मेलन से उगते गए, फिर इसमें हमने संगीत चीजों को लेते रहे, फिर उसके बाद संगीत से भी लोग उगते रहे, फिर उसके बाद जो हम इसको थोड़ा सा राजनीतिक चर्चा को लेते गए, ऐसे ऐसे करके ये पेज बन गया। लेकिन धीरे धीरे इसमें जो जो कमियां आ रही थी, जो जो दिक्कतें आ रही थी उसको झेल रहे थे, तो जो पता नहीं चला कि ये जो क्राइटेरिया होता है जैसे फेसबुक में यूट्यूब में कैसा हो गया, वो तो बाद में पता चला भी आपका जो है पेज मोनेटाइज हो गया है, आपका यूट्यूब मोनेटाइज हो गया है, एडसेंस आपको मिल रहे हैं, आपको पैसे जो है आपको मिल रहा है, मतलब डॉलर बन रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ कि 4 साल लगे हैं इन चीजों में और बाद में मुझे आए, लेकिन मुझे इस चीज का पता नहीं था, लेकिन लोगों को बता रहा हूँ कि ये तो हमारी अपनी कमियां थी कि 4 साल नहीं लगते, अगर थोड़ा सा पता होता तो शायद हम 1 साल के बाद ही पेमेंट करते, यूट्यूब से फेसबुक से कमाते। तो आप लोगों के लिए ये एपिसोड तभी चलाया, आप 1 साल के अंदर में ही कमाई कर सकते हैं, आप हमारे तरह जो है 4 साल बर्बाद नहीं करेंगे। तो हमारी जो बिल्कुल पूरे नहीं, एपिसोड है 1, 2, 3 उसको पूरा देखना है, पहला एपिसोड में क्या है, दूसरे एपिसोड में क्या है, तीसरे एपिसोड में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर में, इतनी आसानी से आपको जो है पैसा नहीं मिलता है, ये बहुत कम है। लेकिन हाँ, सिंगिंग का हो गया, एक्टिंग का हो गया, कोई ऐसी चीज अनोखी चीज होगी या राजनीतिक चीज हो गया, इन चीजों को तो बहुत जो है बहुत जो है व्यूवर्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा जो है चीजें वायरल भी हो जाता है, हम सामाजिक काम करते, जैसे आपका सने सागर एजुकेशन है, इसको भी लोग ज्यादा ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, सामाजिक चीजों को नहीं देते, लेकिन हमने तो काम फिर भी सामाजिक चीज ही करना, लोगों को रूबरू करवाना है, तो इस वजह से हमारा चीज बना था सर, हमने कमाई का साधन तो सोचा नहीं था, लेकिन अब जो है लोगों को हम समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग कमा सकते हैं, आप लोग हमारी तरह 4 साल बर्बाद मत कीजिए, हमारी तरह जो है इस प्रकार के जैसे कॉपीराइट एक्ट है या फिर प्रोफाइल इशू है, ऐसे अभी हम आगे हैक के बारे में बताएंगे कि चैनल कैसे हैक होता है, उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। मैं बताता हूँ कि कई लोगों के चैनल जो है आज तक जो है हैक हो चुके, वापिस भी नहीं आए। अब पिछली बार की बात है कि पुलिस बैंड जो हिमाचल का सबसे बड़ा बैंड है, उनका जो है चैनल हैक हो चुका था, लेकिन उनका वापिस जो है 1 साल हो गए थे आया नहीं था, अब उसके बाद आया कि नहीं आया पता नहीं, लेकिन हमने इसको वापिस कर दिया। इसमें क्या क्या चीजें हमने किया है उसके बारे में भी जरूर बताएंगे। आप चैनल, वैसे तो हम आपका चैनल हैक होने की है कि ना हो उसके बारे में बताएंगे, लेकिन अगर हैक होता है तो कैसे वापिस लाया जाता है इसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक चीज मुझे ये समझ में आई, मुझे अभी भी ध्यान है कि जब आपने शुरू किया था, आई थिंक शायद 1,000 सब्सक्राइबर थे, जब आपने मुझे कहा कि मैंने पेज बनाया है, मुझे इससे पहले ध्यान नहीं था, तो मैंने भी शेयर किया, उसके बाद फटाफट से ग्रोथ होती गई। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर आपको सोशल मीडिया में आपके पास कुछ कंटेंट्स है, इनिशियल स्टेज पे एक आइडिया आपके पास है, तो ज्यादा ना सोचें, आपके पास जो भी फोन है उसी से शुरू कर दें। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हमारे पास अच्छा कैमरा हो, अच्छा फोन हो, जितने भी यूट्यूबर हुए हैं आज से पहले जो इनिशियल स्टेज में शुरू किया था, उनके अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड 8-10 वीडियोस देखेंगे, वो बहुत लो क्वालिटी के हैं, लो लेवल के हैं, उन्होंने फोन से ही शुरू किए थे, राइट। तो धीरे धीरे अगर हम ये सोचे कि पहले हमारे पास लैपटॉप हो, अच्छा आईफोन हो, माइक हो, पूरा सेटअप हो, सारी चीजें हो, पूरा नॉलेज हो, तब हम शुरू करेंगे, तो शायद हम लेट हो सकते हैं। नो डाउट ऐसे लोग परफेक्शन को जो ढूंढते हैं वो परफेक्टली अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है तो आप जरूर अपने अपना पेज बनाएं और उस पे काम करना शुरू करें। जी लेकिन एक चीज मैंने कॉमन देखी कि आजकल एक ड्रामा सा बन गया है कि जो भी है, अभी जब से ये रील सिस्टम शुरू हुआ कि कोई भी गाना आ जाता है उसमें थोड़ा सा एक्टिंग करके अपना, नो डाउट उनके भी व्यूज बढ़ते हैं, तो वो चीजें प्रोफेशनली बहुत आगे तक नहीं जाएगी, वो सारी चीजें सिर्फ टेम्परेरीली है, कुछ टाइम तक आपको सोशल मीडिया पे हल्की फुल्की पहचान दे सकती है, लेकिन अगर पर्टिकुलर एक फील्ड को लेकर के, पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेकर के अगर आप आगे चलोगे, अपने एक विजन रखोगे, तो फेसबुक, यूट्यूब यानी कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेलिब्रिटी बना सकता है। इसमें कभी कभी जी ऐसा भी होता है कि जी लकीली बिल्कुल, आपने आपने बिल्कुल जिक्र कहा सागर सर। एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे पास जब शुरू किया तो मेरे पास 12-13 हज़ार का फोन था, और मैं आप आपके अंदर में जुनून होना चाहिए, आपको जरूरी नहीं है कि इतना ताजो सामान रखना है, जो भी है आपको ऐसा करना है, आपको थोड़ी सी, मैंने बहुत सारे लोगों से वीडियो एडिटिंग नहीं आता था, वीडियो एडिटिंग लोगों से सीखा, और जो है
और कोशिश फोटो करते हैं। फोटोशॉप में काम करना नहीं आता था, काफी चीजें जो है पूछ पूछ के सीखा है। अभी भी मैं काफी चीजें सीखता हूँ, बच्चों से सीखता हूँ, दोस्तों से सीखता हूँ, या आपसे सीखता हूँ, सबसे सीखता हूँ। और लेकिन एक चीज बताता हूँ, मुझे जैसे और लोगों का वीडियो देखने को टाइम ही नहीं मिलता, जैसे सीखना चाहे तो यूट्यूब में बहुत मिलता है कि ऐसे ऐसे क्या करना, टाइम ही नहीं मिलता मेरे पास, काम ही बहुत है। ई पेपर में काम करना है, या फिर कोई जो है कवियों के लिए इसमें काम करना है, या इतना काम करना है। अगर मैंने यूट्यूब में देखा होता तो शायद कई चीजें मैं इसमें जो है काफी जल्दी पहले सीख एक्सपर्ट जाते। होता। जी राइट, स्वागत। जी थैंक ये एक चीज मैं मुझे मुझे ध्यान आया कि बाबू ने खाना खाया, किसी किनारे किसी बहन ने वो गाना गाया था। तो देखिए किस्मत भी इसमें काम करते हैं। तो जैसे वो भारती ने उसके ऊपर रील बनाई तो वो बहुत ज्यादा उसका ट्रेंडिंग हो गया है। तो नो डाउट अगर जी। आप लगे रहेंगे तो पॉपुलरिटी भी मिलेगी और पैसा भी मिल सकता है और काफी चीजें करियर पूरा बदल सकता है। तो चलिए हमारे दर्शकों से आज हम यहीं पे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में बाकी बहुत से क्वेश्चंस अभी हमारे माइंड में हैं और बहुत सी चीजें हैं जो हम दर्शकों को सिखाना चाहेंगे कि किन किन चीजों का ध्यान रख करके हम अपने सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से आगे ले करके जा सकते हैं। तो जी आप जाते जाते राम भगत जी कुछ आप कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत आभार। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इस कीमती चीजों समय निकालकर आपने जो है एक आज का एपिसोड पूरा किया, और लोगों तक जो है आपके द्वारा भी जो है लोगों तक पहुंच रहा है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और बहुत सारे एपिसोड इसमें बनते रहेंगे, और ताकि लोग जो है जल्दी कमाए। हमने तो 4 साल लगाए, आप 1 साल में कमाए, हम आपको यही दुआएं देंगे। धन्यवाद। जी थैंक यू। जैसे ही हमारी ये सीरीज खत्म होती है उसके बाद समय अगर मुझे मिलता है तो मैं एक चीज चाहूंगा कि मैं डायबिटीज के ऊपर मैं पिछले कुछ महीनों से काफी रिसर्च कर रहा हूं। तो मैंने बहुत लोगों को विदाउट मेडिसिन शुगर जो पेशेंट थे विदाउट मेडिसिन वो ठीक हुए हैं, उसके ऊपर भी हम एक पूरी सीरीज बनाएंगे इसमें और कैसे वो सब किया जा सकता है। जी सागर सर, उसके लिए हम मंगलवार एपिसोड रख सकते हैं। मंगलवार का हमारा हरियाली खुशहाली एपिसोड रहता है, अगर टाइम हो तो हम मंगलवार में भी रख सकते हैं। आप अपना समय बताएं, उस पर जरूर रखेंगे हम। जरूर जरूर जरूर। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि, धन्यवाद।